हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MSSSC नोट्स में। दोस्तों, अब आप हमें अनकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप हमारे यहाँ पर देख के सारे कोर्सेज से अपडेट रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है, पुरस्कार संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरस्कार से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो आज हमने पुरस्कार से जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको इस वीडियो में शामिल किया है। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ध्यान से देखिएगा सारे वीडियो को, क्योंकि ये सभी लेटेस्ट प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अगला जो हमारा टॉपिक है खेल, चाहे आपका वित्तीय जागरूकता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, सभी से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने स्वयं सहायता समूह, जिसे HASG, ठीक है, HASG लिंक की अपनी सेवा के लिए 2018 का नाबार्ड पुरस्कार मिला है। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने जो है ये अवार्ड जीता है, 2018 का नाबार्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो नाम है रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट है कि पुरुषों की श्रेणी में 2017 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो नाम था इनका सुनील छेत्री। सांप्रदायिक सद्भावना और शांति को बढ़ावा देने के लिए 2018 राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया था? तो नाम है गोपाल कृष्ण गांधी। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर हैं, जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सके और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सद्भावना पुरस्कार जो 2018 का है, किसे मिला था? गोपाल कृष्ण गांधी को। अगला है कि किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ ने प्रतिष्ठित 2018 फील्ड पदक जीता है? किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ ने प्रतिष्ठित 2018 फील्ड पदक जीता है? तो नाम है अक्षय वेंकटेश। नेक्स्ट है कि किस भारतीय व्यक्तित्व ने एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी USA द्वारा दिए जाने वाला 2018 अंतर्राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार जीता है? तो नाम है के अनवर सदस। जूनियर विश्वविद्यालय डिवीज़न में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्तित्व ने इंटरनेशनल वर्ल्ड जियोग्राफी बी चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है? तो नाम है अवि गोयल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जियोग्राफी बी चैंपियनशिप 2018 किसने जीता, तो नाम था अवि गोयल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने हिंदू प्लेराइट पुरस्कार 2018 जीता है? किस भारतीय लेखक ने हिंदू प्लेराइट पुरस्कार 2018 जीता है? नाम है एनी जैदी। अगला है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर MBA वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2018 में सामुदायिक पुरस्कार जीता है? तो नाम क्या है? सुनिष्का कार्तिक। 2018 रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो नाम है भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक। ये दो लोग थे, दो लोगों को क्या है 2018 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आता है। अगला है कि ई गवर्नेंस में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष का मुख्यमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया था? ई गवर्नेंस में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष का मुख्यमंत्री पुरस्कार जो दिया गया था, नाम था वसुंधरा राजे। हैदराबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? TBN राधा कृष्णन। ओके, एल्यूमिनियम की जानकारी के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम होता है, उसकी जानकारी के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता पुरस्कार होता है, किसे दिया गया था? तपन कुमार चंद को। अगला है कि साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्हैया लाल सोठिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नाम है महेंद्र भानुवत। अगला है, ट्रेवल एंड लीजर पत्रिका के पाठकों के माध्यम से वर्ष 2018 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वेक्षण के भाग के रूप में दुनिया के 15 सबसे अच्छे शहरों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन है?
देखिए ये जो पत्रिका है ट्रेवल एंड लीजर पत्रिका, ये पत्रिका सर्वेक्षण करती है कि कौन है जो सबसे अच्छे शहरों में शामिल है। तो इसमें जो सर्वेक्षण किया गया तो 15 सबसे अच्छे शहरों में उदयपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। जो बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार जो होता है 2018 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो जीता है, नाम है तुम्हारी शुलू। अब देखिए दो आईफा अवार्ड हुआ था, आईफा का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में जान लीजिए कि 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आईफा के लिए थी कौन सी थी, तुम्हारी शुलू। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा अवार्ड 2018 में चुने गए थे इरफान खान, जो कि हिंदी मीडियम के लिए थे, हिंदी मीडियम जो इनकी फिल्म आई थी। और महिला में श्रीदेवी को मॉम फिल्म के लिए मिला था अभिनेता में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे अनिरुद्ध राय चौधरी, जो कि पिंक फिल्म इन्होंने बनाई थी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में अरिजीत सिंह, जब हैरी मेट सेजल में इन्होंने जो गाना गाया था। और महिला में जो गायिका थी मेघना मिश्रा, सीक्रेट सुपरस्टार के लिए इन्हें आईफा अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं साकेत चौधरी हैं हिंदी मीडियम के, इनको भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। चलिए अब कुछ और चीज़ें बात करते हैं। देखिए अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ई गवर्नेंस में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष के मुख्यमंत्री पुरस्कार से वसुंधरा राजे को सम्मानित किया ही गया था। और नेक्स्ट है कि भारत की पहली ट्राइबल क्वीन का ताज किसे पहनाया गया। ट्राइबल क्वीन, ट्राइबल मतलब होता है अनुसूची, अनुसूची की रानी। तो इसमें जो है उनका नाम है पल्लवी दुर्वा। पल्लवी दुर्वा को क्या है, ट्राइबल क्वीन का ताज पहनाया गया था, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अगला है कि वाशिंगटन में अमेरिकी कृषि विभाग के एक समारोह में वर्ष 2018 के विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। नाम है लॉरेंस हद्दाद और डेविड नावारो। ये आपका वाशिंगटन में हुआ था, अमेरिकी कृषि विभाग में एक समारोह हुआ था। तो इसमें 2018 के विश्व खाद्य पुरस्कार से लॉरेंस हद्दाद और डेविड नावारो को सम्मानित किया गया था। अगला है कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ में शामिल जो भारतीय क्रिकेटर हैं, हॉल ऑफ फेम जो होता है आपका, ये भी एक पुरस्कार होता है। तो पूछा जाता है कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, किस भारतीय क्रिकेटर को, नाम है राहुल द्रविड़। अगला है कि अंजलि इलामेमम को दृश्य कला में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित करने वाली राज्य सरकार कौन सी है। जो अंजलि इलामेमम हैं इन्हें दृश्य कला में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किस राज्य ने सम्मानित किया था, नाम था मध्य प्रदेश। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी जूनियर वर्सिटी डिवीज़न में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले हाई स्कूल के भारतीय अमेरिकी छात्र कौन थे, तो नाम था, मैंने अभी इसके बारे में बताया था कि ज्योग्राफी बी जूनियर वर्सिटी अगर आता है तो उसमें अवि गोयल का नाम ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा ज्योग्राफी बी के नाम से, ठीक है। ये आपके क्या थे, भारतीय अमेरिकी छात्र थे। अगला है कि मिस एशिया बाधिर 2018 का ताज जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है, तो नाम है देसना जैन। देसना जैन याद रखिएगा, ये मिस एशिया बाघिर 2018 का ताज जीतने वाली महिला थी। अगला है कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा एयरपोर्ट है जिसने चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 से नवाजा गया है, ठीक है। वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसे चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से नवाजा गया, तो उस एयरपोर्ट का नाम था कोचीन एयरपोर्ट। अगला है कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 कितने लोगों को दिया जा रहा है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2018 में दिया जा रहा है कितने लोगों को दिया जा रहा है, करीब 6 लोगों को दिया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा वर्ष के विक्रेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा वर्ष के विक्रेता पुरस्कार से GCMMF जो है इसे क्या है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया विज्ञापन संघ के द्वारा। 2018 अंतर्राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति का क्या नाम था, तो अंतर्राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम है के अमर शाह दास। केवल 50,000 की लागत में दुनिया की पहली हिंदी भाषी ह्यूमनाइड रोबोट जो रश्मि जो है,
तो रश्मि का विकास करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या नाम था? तो ये जो रंजीत श्रीवास्तव थे, इन्होंने जो है 50,000 की लागत में एक फिल्म बनाई थी, वो ह्यूमनाइड रोबोट का, जो रश्मि नाम से जो विख्यात हुआ था। और इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलप इन्होंने किया था, नाम था इनका रंजीत श्रीवास्तव। ठीक है, किसको मीडिया में आजीवन योगदान के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वार्षिक पुरस्कार मिला है? तो मतलब मीडिया में आजीवन पुरस्कार, जिसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसमें जो इंदु जैन है, इन्हें जो है यह पुरस्कार प्राप्त है। किसको यूनेस्को में विश्व प्रेस आज़ादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को में विश्व प्रेस आज़ादी से जो पुरस्कार है, मोहम्मद अबू जैद को सम्मानित किया गया है। किसको राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपकी संस्था जो है CSIR। किसको 2017 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तो सरस्वती सम्मान जो मिला था शितांशु यशचंद्र को, 2017 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। किसको ONV साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ONV साहित्यिक पुरस्कार के लिए MT वासुदेवन नायर को चुना गया है। ओके, तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कार। और आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी की जितनी अधिक लाइक आएगी, मैं आपके लिए अगला वीडियो खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसको भी लेकर बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। बस आप सभी की लाइक आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।